तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों को देखकर ही पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है, लेकिन दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बताना चाहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अपार आईडी कार्ड या फिर कह सकते हैं ABC आईडी कार्ड को खुद से कैसे आवेदन करें, खुद से कैसे बनाएँ, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं, एकेडमिक स्टूडेंट हैं, जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों ये कार्ड आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो गया है। क्योंकि दोस्तों जब आप एडमिशन लेने जाएंगे किसी डिग्री कॉलेज में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में, तो ये कार्ड आपसे मांगा जाएगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो दोस्तों आपको इसको कहीं ना कहीं से इसको आपको बनवाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ये वीडियो पूरा देख लें और आप खुद से इस कार्ड को घर बैठे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप से भी इसको बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि ये कार्ड जो है कहाँ कहाँ पर और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो दोस्तों ये जो अपार कार्ड है, अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं, मतलब अगर आप किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे लगेगा। अगर आप किसी भी अपने सेमेस्टर का आप अगर ऑनलाइन रिजल्ट चेक करेंगे तो वहाँ भी आपको इस ABC कार्ड या फिर अपार कार्ड का नंबर को भरने के लिए मांगा जाएगा। तो दोस्तों इस अपार कार्ड का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस है, अगर आप लोगों के पास अभी तक खुद का डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बनवा लीजिए, क्योंकि बिना डिजी लॉकर के अकाउंट की ये अपार कार्ड आपका नहीं बन सकता। तो दोस्तों अगर आप लोगों का अभी तक नहीं बना हुआ है डिजी लॉकर पर अकाउंट, तो यहाँ पे आपके आई बटन पे डिजी लॉकर पर अकाउंट कैसे बनाएं ये आप लोगों को शो रहा होगा। अगर वहाँ पे नहीं आप लोग देख पा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने, मैं वीडियो के लास्ट में इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अपार कार्ड या फिर ABC आईडी कार्ड को बनाना है तो आप लोग अपने डिवाइस के किसी भी ब्राउज़र पे आकर के आपको यहाँ पे सर्च करना है ABC कार्ड। ABC कार्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, और जैसे आप सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और जैसे इसके ऊपर आएंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है abc.gov.in, आप उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 30.65 करोड़ विद्यार्थियों ने इस कार्ड को आवेदन कर चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आप लोग भी अब बहुत ही आराम से इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था पहले ही कि आपके पास यहाँ पे डिजी लॉकर पर अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों के पास डिजी लॉकर पर अकाउंट है तो दोस्तों मैं जैसा इस वीडियो के अंदर करूंगा आपको भी सेम टू सेम वैसा ही करना होगा। तो दोस्तों आपको अपार कार्ड या फिर ABC आईडी कार्ड बनाने के लिए आना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा माई अकाउंट, यहाँ राइट साइड में ऊपर आपको मिलेगा माई अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर पर मिलेगा स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप दोस्तों आपको बोलेगा साइनिंग इन टू योर अकाउंट वी एट डिजी लॉकर। यहाँ पे आपको डिजी लॉकर पर जाने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन मिलेंगे, पहला तो मोबाइल नंबर और पिन, दूसरा यूज़र नेम अगर आपके पास है तो यूज़र नेम डाल दीजिए, या फिर आप आइए आधार पे और यहाँ पे सिलेक्ट आईडी के ऊपर आएंगे तो आप सिलेक्ट करेंगे आधार। और दोस्तों आधार सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का जो नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपके नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, इनको आप लोग चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद दोस्तों आप लोग साइनिंग के ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे दोस्तों आप साइनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। उस OTP को दोस्तों आपको इसके अंदर आपको फिल करके फिर उसके बाद दोबारा से साइनिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे OTP डालने के बाद हम फिर से करते हैं साइनिंग। तो दोस्तों जैसे हम साइनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा यहाँ पे ABC मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स अर्पा आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपका ABC आईडी कार्ड बन जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए बेल को नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।